दुनिया को तेल देने वाला एक बड़ा इलाका बारूद के पहाड़ पर सुलगने लगा है। बस एक चिंगारी का और भड़कना होगा और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट ना मालूम किस दौर का गुजरा कल बनकर रह जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज्वालामुखी बन चुके मिडिल ईस्ट की आग में ईरान और इजराइल तेल डालकर भड़काने में लगे हुए हैं। दुनिया सांस रोककर तमाशा देख रही है और युद्ध के उन्माद में और बदले की आग में दो मुल्क इस तरह जल रहे हैं कि वो अब दुनिया को भी जलाने को तैयार हैं। खास बात यह है कि साल 1980 तक कभी ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ जब हुकूमत बदली तो फिर नजरिया भी बदला और नफरत भी पनपी। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव। बात आज बहुत गंभीर है क्योंकि बात हाथ से निकल चुकी है, दूर तक जा चुकी है। पहली दफा ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया है, तो पहली दफा ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। दोनों एक एक बार अपने बदले का दीदार कर चुके हैं और अब बारी है तो उस फाइनल असॉल्ट की जो कि मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही मचा सकता है। ईरान का एक हमला मिडिल ईस्ट में इजराइल का नक्शा बिगाड़ सकता है या फिर इजराइल का ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला समूचे मिडिल ईस्ट में भयंकर महाविनाश का बटन दबा सकता है। ये आग फिर ऐसी लगेगी जो बुझाए न बुझेगी और जिसके बुझने का इंतजार खुद अमेजन के जंगलों में लगी आग भी करते करते थक जाएगी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद जंग की आग हिजबुल्ला से होते होते इजराइल की चौखट तक पहुंच गई। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास की बिल्डिंग को मिसाइल हमले से जमीन दोज कर दिया। ये इजराइल का डायरेक्ट अटैक था जिसका प्रतिकार ईरान को करना ही था, या यूं कह लीजिए कि इजराइल ने ईरान को भी हमास हिजबुल्ला के साथ जंग में खींच ही लिया। इसके बाद ईरान ने जो बदले की कार्रवाई की उसने इजराइल को झकझोर कर रख दिया। ईरान ने यहूदी देश पर भारी मात्रा में आत्मघाती ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस हमले को अंजाम दिया ईरान की इलीट फोर्स IRGC ने। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लगा दी। सबसे खास बात यह है कि IRGC ईरान की पारंपरिक आर्मी नहीं है। ईरान में IRGC की ताकत ईरान की पारंपरिक आर्मी से कहीं ज्यादा है। IRGC के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स और अपनी थल सेना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में IRGC वजूद में कैसे आया। दरअसल साल 1989 में ईरानी क्रांति के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। बाहर से लेकर आंतरिक मामलों और शिया मुल्क के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस फोर्स को सौंपी गई। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान में साल 1989 की क्रांति से पहले तक शाह रजा पहलवी की हुकूमत थी। ईरान की सत्ता पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों का कब्जा था। 70 का दशक आते आते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई गहरी होती चली गई और ईरानी जनता का शाह के ऊपर से भरोसा उठने लगा। शाही तौर तरीकों और ऐशो आराम से लोगों की नाराजगी और बढ़ती चली गई। इसके बाद लोगों का भरोसा पेरिस में निर्वासन की जिंदगी जी रहे शिया धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी पर बढ़ा। दरअसल खुमैनी ने जनता को भरोसा दिया कि ईरान में किस तरह से इस्लामिक मूल्यों को अपनाते हुए भी आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं। खुमैनी का ये दर्शन जनता को रास आ गया और देखते ही देखते ईरान में खुमैनी का राज छा गया। इसके बाद 70 का दशक खत्म होते होते ईरान में जबरदस्त हिंसा भड़की और शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
लगातार हड़तालों से इकोनॉमी ठप हो गई, वक्त के साथ खुमैनी की रायशुमारी हो गई और उनको आजीवन ईरान का धार्मिक नेता घोषित कर दिया गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पतन के तुरंत बाद IRGC की स्थापना की गई। ये कानून और न्यायपालिका की सीमा से परे काम करती थी। ये सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति उत्तरदायी है और इसकी कमान संरचना चुने हुए राष्ट्रपति को दरकिनार करने का मादा भी रखती है। IRGC को एक मजबूत सैन्य यूनिट बनाने का काम किया साल 1980 से 88 तक लड़े गए ईरान इराक युद्ध ने। इस युद्ध के बाद IRGC पश्चिमी देशों की सेनाओं की तरह बाकायदा एक कमांड यूनिट के साथ एक पेशेवर लड़ाकू फोर्स के रूप में काम करने लगी थी। इंटरनेशनल यूनिट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार ये ईरान की रेगुलर आर्म फोर्सेस के समानांतर एक अलग फोर्स बनी हुई है, जिसकी कमान में 1,90,000 से ज्यादा सैनिक हैं। IRGC की शाखाओं में ईरान के 31 प्रांतों और तेहरान में मौजूद 1,50,000 से अधिक की थल सेना है। इसके अलावा 62 अर्धसैनिक बल है जो दावा करता है कि वो लगभग 6,00,000 स्वयंसेवकों को जुटाने का काम कर सकता है। ईरान की नियमित सेना की नौसेना से अलग IRGC का अपना नौसैनिक बल है, जिसमें लगभग 20,000 नाविक हैं, जिन पर ईरान की समुद्री सीमाओं पर गश्त करने की जिम्मेदारी है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हर्मुज भी शामिल है, जहां से दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल हर साल गुजरता है। IRGC के पास 15,000 कर्मियों की एक वायुसेना भी है, जो नियमित सेना की एक समानांतर शाखा से अलग है। ये वायुसेना ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी संभालती है। इसके अलावा IRGC की एक साइबर कमान भी है, जो ईरान की सैन्य और वाणिज्यिक जासूसी के लिए काम करती है। IRGC ने अपनी ताकत ईरान में ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उसका दखल ईरान के पड़ोसी देशों में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। IRGC की एक विदेशी शाखा है, जिसे कुछ फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो लेबनान से लेकर इराक, यमन और सीरिया समेत मध्य पूर्व तक फैला है, जो अपने सहयोगी मिलिशिया को हर संभव मदद करती है। उन्हें IRGC प्रशिक्षण, हथियार, पैसा और सैन्य सलाह मुहैया कराता है, जिससे वो इन प्रॉक्सी गुटों द्वारा पश्चिमी देशों और अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को काबू करने का काम करता है। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, तब इराक में IRGC की भागीदारी ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच विवाद काफी हद तक बढ़ाने का काम किया था। 2007 में अमेरिकी राष्ट्रपति George W. Bush ने कुछ फोर्स पर अमेरिकी बलों को मारने के लिए शिया मुसलमानों को सड़क के किनारे बम प्रदान करने का आरोप लगाया था, और अमेरिकी सरकार के अंदर और बाहर के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे कि क्या ऐसे आदेश सीधे तेहरान से आए थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2003 और 2011 के बीच इराक में 608 US सैनिकों की हत्या के लिए सीधे IRGC को दोषी ठहराया था। इसके बाद हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले में भी IRGC ने अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि IRGC के पूर्व अधिकारी एजातुल्ला जरगामी ने गाजा में भूमिगत सुरंगों में मिसाइल के उपयोग सहित हमास को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने की बात भी स्वीकार की थी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ईरान एक साथ दो समानांतर सेनाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें IRGC का रोल सबसे बड़ा है। इसकी बुनियाद ही इस्लाम की हिफाजत के लिए पड़ी है। ऐसे में हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों की मदद के लिए IRGC किसी भी हद तक जा सकता है।